हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा आनंद आता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब, या जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, स्वप्न रहित निंद्रा में होते हैं। पिछले मंत्र में हमने जाना कि स्वप्न रहित अवस्था ही आनंदमय अवस्था है, पर ऐसा क्यों, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं आरुषि एब्सेक टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मांडू के उपनिषद के मंत्र संख्या 6 के बारे में। ऐसा क्या बताया गया है कि क्यों यह अवस्था ही आनंद का स्रोत है, आइए देखते हैं मंत्र। प्राज्ञ का सर्व कारणत्व, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामेश योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम। अर्थात यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। यहाँ प्राज्ञ की ईश्वर के साथ तुलना क्यों की गई है, आज जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा गया था कि जब हम स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं तो हमारा मन एकीभूत हो जाता है। एकीभूत अर्थात सारी जो मन हमारा इधर उधर भटकता रहता है, सारी जो इच्छाएं कामनाएं होती हैं, वे सभी आकर एक बिंदु पर सिमट जाती हैं, और वह बिंदु क्या है, चेतना का मुख। जब हम वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं वैश्वानर अवस्था में, जब हम स्वप्न अवस्था में हैं तेजस, तब हमारे पास कई मुख, कई इंस्ट्रूमेंट्स और चैनल्स हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जाना। परंतु यह जो अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न रहित अवस्था, इसमें केवल एक ही मुख है और वह मुख है शुद्ध चेतना। है ना कितना अजीब, हमें लगता है कि जब हम जागृत अवस्था में हैं तो हम कॉन्शियस हैं, और जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो सब कॉन्शियस हैं, और जो यह अवस्था है सुषुप्ति, अनकॉन्शियसनेस की अवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमें अनकॉन्शियसनेस लग रहा है यही प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस, पूर्ण आनंद की स्थिति है। ऐसा क्यों, जब हम जागृत अवस्था में हैं ना जाने कितनी चीज़ें हमारे पास हैं, ना जाने कितने भोगों को हम भोग रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि एक सप्ताह तक आपको नींद नहीं लेनी, आपको सोना ही नहीं है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा राजा हो, उसके पास सब कुछ भोग हो, बहुत खुश हो अपने जीवन में, परंतु यदि उसे कहा जाए कि 7 दिन तक आपको निंद्रा रहित रहना है, तो क्या वह रह पाएगा? नहीं। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें शुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है सुषुप्ति अवस्था में, वैसा आनंद ना तो जागृत अवस्था में है, ना ही स्वप्न अवस्था में है। आपने खुद यह महसूस किया होगा कि जब हम स्वप्न रहित निंद्रा से, ड्रीमलेस स्लीप से उठते हैं, तो कितना तरोताज़ा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि एक अलग सी पावर, एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। वह क्यों? क्योंकि उसी सुषुप्ति अवस्था में व्याप्त है हमारे आनंद का स्रोत, वही पूर्ण आनंद है। लेकिन ऐसा क्यों, सुषुप्ति अवस्था में ना तो हमारे पास कुछ है, ना हमारी कोई इच्छा भी है, ना हमें कोई देख पा रहा है और ना हम ही किसी को जान पा रहे हैं, ना कोई भोगों का भोग कर रहे हैं, ना कोई भोजन कर रहे हैं, ना मन कहीं घूमने जा रहा है, फिर भी वह अवस्था हम सबको बहुत अच्छी लगती है। जब उस स्टेज से सोकर उठते हैं तो लगता है कि सब कुछ मिल गया हो। तो यहाँ से हमें यह समझना चाहिए कि जो असली आनंद है, अगर हमें असली खुशी मिल सकती है, तो वो ना तो किसी पोजेशन में है, ना तो किसी भोग में है, ना किसी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन में है, ना ही किसी स्थान में, ना ही किसी व्यक्ति में है, वह स्वयं हमारे अंदर ही व्याप्त है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य का, हमारा जीवात्मा का असली नेचर क्या है। सत चित आनंद, यही वह अवस्था है
जब हम सत चित आनंद का भोग करते हैं, सुषुप्ति अवस्था। और सत चित आनंद ही ईश्वर का गुण है, इसलिए कहा गया है कि यही ईश्वर है। यह सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ ज्ञात है, यह अंतर्यामी है। हमें भले ही लगता हो कि हम नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या छुपा है, या हम भूल गए हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, परंतु उसकी नॉलेज में सब है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, यदि हम ऐसा सोचें कि ईश्वर की दृष्टि से हम दूर हैं, तो यह हमारी मूर्खता ही होगी। आगे कहा गया है, समस्त जीवों की उत्पत्ति और लय का स्थान होने के कारण यही सबका कारण भी है। यहाँ से यह समझ आता है कि उस बिंदु से जहाँ सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन केंद्रित हो जाता है, उसी बिंदु से, उसी सच्चित आनंद से ही समस्त जगत की उत्पत्ति है, और वहीं आगे सब कुछ मिल जाएगा एक दिन। कैसे? जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 19 मुख, 7 अंग आदि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में कार्य करते हैं, तो वे सुषुप्ति अवस्था में कहाँ चले जाते हैं? वे सब एकत्रित होकर एक बिंदु पर आके मिल जाते हैं, और वो बिंदु ही है प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस की वजह से ही हमारा जीवन है। जिस तरह से एक बीज के अंदर एक पूरा पेड़ समाहित होता है, एक बीज से ही हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि पेड़ कैसा होगा, तो उसी बिंदु से हमारे मन की सारी इच्छाएं होती हैं। हम जागृत अवस्था में भटकते हैं इधर उधर, स्वप्न अवस्था में भी विचरण करते हैं, परंतु जब सुषुप्ति आती है तो उसी बिंदु पर आकर सब कुछ मिल जाता है। वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ और वहीं आकर सब कुछ मिल गया। आगे कहा है कि यही सबका कारण है। अब यहाँ यह समझना होगा कि जागृत अवस्था का कारण क्या है। हम जगे हुए हैं और हम उसमें कार्य कर रहे हैं। हम जब जगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य धर्म ही है कि कर्म हमें करना है। उसी तरह से जो हम कर्म जागृत अवस्था में नहीं कर पाए, वह हम स्वप्न में करते हैं, तो तेजस अवस्था में भी हम कार्य कर रहे हैं। जब हम सो रहे हैं, निंद्रा उसका कारण है, और कार्य क्या है? जो हम स्वप्न देख रहे हैं। परंतु प्राज्ञ में कोई कार्य नहीं है, वहाँ केवल कारण उत्पन्न है। और वह क्या कारण है? वह वही कारण है जो हम सबकी उत्पत्ति और हम सबके अंत का कारण है। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि प्राज्ञ, तेजस और वैश्वानर तीनों में से उत्तम अवस्था कौन सी है। निश्चित ही प्राज्ञ, और उसी अवस्था में हम सच्चे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ से समझ आता है कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। वह है सत चित आनंद और एक। हम एक हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, स्वयं में हम पूर्ण हैं। ना किसी भोग से हमें वह सुख मिल सकता है, ना किसी व्यक्ति विशेष से, ना किसी स्थान से। वह हमारे अंदर ही है, आवश्यकता है स्वयं को जानने की। हमारे आसपास हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है, केवल वह सीमित है कि हम इस जगत के साथ, इस संसार के साथ कैसे डील करें। परंतु स्वप्न में और सुषुप्ति अवस्था में क्या हो रहा है, यह कभी हमने जाना ही नहीं। हर रोज़ हम उस अवस्था में जाते हैं, परंतु हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितनी आनंदमय अवस्था वह है। और अगर वह ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? यदि आपसे कोई कहे कि बिना सोए क्या रह पाओगे, हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वही स्थिति है जहाँ पे हमें पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मंत्र के साथ। धन्यवाद।